मैनपुरी में गरजे योगी आदित्यनाथ, डिंपल यादव को बता दिया बेचारी, मुलायम परिवार पर भी कसा तंज। एक नया रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, ये समाजवाद, ये जेपी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी नहीं है, चचा शिवपाल तो डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते हैं लेकिन उनको स्वयं नहीं मालूम होता है कि वे क्या लिख रहे हैं, उनको स्वयं नहीं मालूम है। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं वो एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है, सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है समाजवादी पार्टी की सरकार में, उस जमीन को उन्होंने या उनके सागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। और अखिलेश जी का समाजवाद तो अवसरवादी समाजवाद है। भाइयों बहनों, शिवपाल जी के साथ क्या हुआ था हर व्यक्ति समझता है। पिछली बार तो कम से कम जसवंत नगर नेताजी के नाते मिल गई, अगली बार जसवंत नगर भी नहीं मिलने वाली है उनको, यह हर व्यक्ति जानता है। और जब भी समाजवादी पार्टी को चुनाव हारने होते हैं दो काम जरूर कर लेते हैं, एक तो बहाना कर लेते हैं, पहले से ही पृष्ठभूमि बांध लेते हैं कि साहब ईपीएम में गड़बड़ी है। अरे उसी ईपीएम में तो 2012 में आपकी सरकार बनी थी, उसी ईपीएम में इस प्रदेश में कई सांसद आपके जीते थे, कैसे आप आरोप लगाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराने लगते हैं और कभी उसकी पृष्ठभूमि बांध करके अपने कारनामों को नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता दो काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था, चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, अब मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाता है। यहां जाति के लिए नहीं, क्षेत्र मत और मजहब के लिए नहीं, सबका साथ और सबके विकास के वास्तविक भाव के साथ जो कार्य कर सके वही राम राज्य का उदार और उदात्त भाव है। और उस भाव के साथ आपको जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं।